ये मत समझना कोई संत के वेश में आकर के तुम्हें मार्ग दिखाएगा, न जाने किसी भी रूप में किसी भी वेश में कहीं भी तुम्हें मार्ग दिखा देगा व्यक्ति। तुम कहीं भटक रहे होंगे तो कोई ऐसी बात कह जाएगा कि तुम, लेकिन एक बात और बताऊं, अभी परसों की बात है, गुरुजी से मेरी बातें हुई, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। व्यक्ति को अपने सतोगुण को बढ़ाना चाहिए, नहीं तो संत का किया हुआ संग जो प्रकाश करना चाहिए वो प्रकाश नहीं कर पाएगा। उन्होंने ऐसे लोगों के उदाहरण दिए कि मेरे साथ के 20-20, 25-25, 35-35 साल तक के लोग हैं जो संतों की संगति कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि सतोगुण यदि अंदर होगा तो समझने की क्षमता होगी, नहीं तो संत की बात समझ में ही नहीं आएगी। यही साधक की साधना है कि संत की बात समझ में आ जाए, और समझ में नहीं आए उस पर मनन भी होने लगे, चिंतन होने लगे, और वो बात लौट लौट करके भीतर टक्कर दे, वो बात लौट लौट के टक्कर दे, तभी तो वो परिवर्तन कर पाएगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ऐसा तुम्हारे जीवन में होता नहीं है, होता तो है, लेकिन संसार का कोई व्यक्ति यदि कोई ऐसी चुभने वाली बात कह जाए तो वो तो एक बार कह करके चला गया, लेकिन अब वो बात हमको बार बार टक्कर दे रही है और भीतर चोट दे रही है और घायल कर रही है। लेकिन ऐसा कब होता है? जब रजोगुण और तमोगुण में व्यक्ति वर्तता है, लेकिन जब वही व्यक्ति सतोगुण में जाता है ना, तो अभी ये महाराज जी कह रहे थे कि कोई मुझे मूर्ख आनंद कहता है, कोई मुझे पागल बाबा कहता है, हजारों नाम मेरे रखे हैं लोगों ने, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण में व्यक्ति वर्तेगा तो संसार की बातों का, बात समझना, रजोगुण तमोगुण में व्यक्ति वर्तेगा तो संसार की बात का असर ज्यादा होगा, संत की बात सिर से ऊपर होकर निकल जाएगी। लेकिन जब व्यक्ति में सतोगुण वर्तेगा तो संसार की बात का असर नहीं होगा, संत की बात भीतर अटैक कर देगा।